नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे कैन बोर्ड की, बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की, बात करेंगे केपी ओली की। हम सभी को पता है केपी ओली अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चुने गए हैं नेपाल के, लेकिन वहां पर अभी उनका एक रिसेंटली वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है जहां पर लोग नारे लगा रहे हैं केपी ओली चोर देश छोड़, इस तरह के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब केपी ओली क्या कर सकते हैं, केपी ओली ने जो प्लान तैयार किया है क्रिकेट से रिलेटेड कि 300 दिन में स्टेडियम बनेगा, फ्लड लाइट्स वगैरह आएंगे, ये सारी चीजें, तो यहां पर अब केपी ओली के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा है लोगों में, अब किस वजह से है वो खैर वहां पे देशवासी बता सकते हैं, लेकिन जो एक तबका है, बहुत बड़ा तबका वहां का जो क्रिकेट को पसंद करता है, तो अगर केपी ओली वो काम करके देते हैं, क्रिकेट स्टेडियम बना कर देते हैं, फ्लड लाइट्स ला कर देते हैं, तो आप ये साफ तौर पर देखेंगे कि शायद इन सारी चीजों को लोग भूल जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि केपी ओली ने काम जरूर किया है, हर तरीके से चीजों को संभाला है, तो वहां पर उनके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अभी केपी ओली के हक में चीजें नहीं जा रही हैं, और अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं क्रिकेट से रिलेटेड, अगर वो स्टेप अप नहीं करते यहां पे, तो ये चीजें और बद से बदतर हो जाएंगे। तो यहां पर उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, यहां पर उनको आगे आना पड़ेगा और स्टेडियम बनता, तो इससे बेहतर नेपाल फैंस के लिए कुछ नहीं होगा और ना ही केपी ओली के, और ओवरऑल कहोगे नेपाल क्रिकेट के लिए भी और नेपाल के लिए भी ये एक बेहतर चीज होगी कुल मिलाकर। अब दूसरी चीज, जैसा की जब बात करते हैं वो हम सभी को पता है एक अब यहां पर लेवल पर आ गए हैं, जो क्रिकेट गवर्निंग की सबसे ऊपर बॉडी होती है आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, और ये अब नेपाल क्रिकेट को भी फायदा करेगा अल्टीमेट, बिकॉज हम सभी को पता है कि जब वो आईसीसी के, माफ कीजिएगा, एसीसी के चेयरपर्सन थे, तो वहां पर बहुत सारी लीग्स वगैरह चलाई थी छोटे छोटे लेवल पर, जहां पर छोटी छोटी कंट्रीज आई थी, उन्होंने सारी चीजें बेहतर ढंग से चलाई, प्रमोट किया, और ना सिर्फ वहां पर, आप देखोगे साफ तौर पर इंडियन क्रिकेट में मेंस की वुमेन्स की सैलरी जो है उन्होंने एक बराबर कर दी, उसके बाद जो रिटायर्ड प्लेयर्स थे रणजी वगैरह के उनको पेंशन दी, यानी जो प्लेयर्स नहीं भी खेल रहे हैं अब उनके पास अपना घर चलाने के लिए कुछ होगा, वहां पर वो साफ तौर पर चीजें कर सकते हैं और ये कर रहे हैं। तो अब जब वो आईसीसी के उस पर आए हैं, तो यानी काम करके आए हैं वो पीछे, तो वो यहां पर भी सोचेंगे कि जो नेपाल वगैरह वाली टीमें हैं, नेपाल जैसी टीमें जो क्रिकेट को इतना प्रमोट कर रही हैं, इतना पैशन उनके पास, तो क्यों ना उनको ऊपर लाया जाए। अल्टीमेट नेपाल को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो चीजें हैं नेपाल को मैचेस नहीं मिल रहे थे वो मैचेस प्रोड्यूस करा सकता है आईसीसी, तो ये कहानी होने वाली। बाकी आप बताइए आप किस तरह से देखते हैं जय शाह के चेयरपर्सन बनने को और इसके बाद केपी ओली को, जो भी आपको लगता है अपनी राय दर्ज कराना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें।